हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ई मेजर और ई माइनर कॉर्ड बहुत ही आसान तरीकों में। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है सुबोध, आप देख रहे हो द गिटार बर्नर। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए मेरे अपकमिंग वीडियोस पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बिगिनर्स के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस को हम लोग बोलते हैं फ्रेट्स। ये हमारा फर्स्ट फ्रेट है, ये सेकंड फ्रेट है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये फ्रेट्स काउंट भी बढ़ते जाएगा। और हम जो स्ट्रिंग्स को काउंट करते हैं वो हम डाउन टू अप काउंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्ट्रिंग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नए बिगिनर्स है, अभी गिटार स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता, इसलिए मैंने ये ब्रशअप कर लिया। तो हम सीधा आते हैं ई मेजर कॉर्ड पे। ई मेजर कॉर्ड करने प्ले करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड फ्रेट यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे आपको फर्स्ट फिंगर आपका रखना है। फर्स्ट फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपका फर्स्ट फिंगर रखना है। सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर आपको सेकंड फिंगर रखना है। सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकेंड फिंगर रखना है। और सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर आपको थर्ड फिंगर रखना है। ऐसा आपका ई मेजर कॉर्ड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ई मेजर कॉर्ड। ई मेजर कॉर्ड प्ले करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ वही तीन स्ट्रिंग प्रेस करना है जो आपको बताया गया है। अगर आप नीचे के स्ट्रिंग्स को भी टच करोगे आपके फिंगर्स, तो वो साउंड नहीं करेगा प्रॉपरली। तो ई मेजर आपको प्ले करना है, ऐसा साउंड करेगा आपको ई मेजर। अगर आप कौन से भी स्ट्रिंग को टच करोगे उसके अलावा, तो आपका गिटार बजेगा नहीं। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो नए सीख रहे हैं उनका साउंड डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि उनको उनके फिंगर्स के जो पॉइंट्स है, टॉप्स है, वो उनको थोड़े हार्ड करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करते करते। थोड़ा उनको पेन होगा स्टार्ट में, पर कोई बात नहीं, सीख जाओगे जल्दी। तो हमारा फर्स्ट कॉर्ड हो चुका है ई मेजर कॉर्ड, और हमारा सेकंड कॉर्ड है ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड बहुत ही इजी है। अगर आप ई मेजर कॉर्ड सीख गए तो आप ई माइनर कॉर्ड एक दिन के अंदर सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ई माइनर कॉर्ड के लिए फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट फिंगर आपको हटा देना है, और आप देख सकते हो आपका ई माइनर कॉर्ड रेडी हो चुका है। ई माइनर कॉर्ड के लिए आपको सेकंड फ्रेट का यूज़ करना है। सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर आपका सेकंड फिंगर रहेगा, और सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर आपका थर्ड फिंगर रहेगा। ये आपका हो गया ई माइनर। कोई कोई ऐसे भी प्ले करता है फर्स्ट और सेकंड फिंगर यूज़ करके, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही प्ले करो सेकंड और थर्ड फिंगर यूज़ करके। क्योंकि जब भी आप गाना सीख जाओगे प्ले करना, तभी कॉर्ड शिफ्टिंग के टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी, ईजी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे बार कॉर्ड पे आपको प्ले करना है, डायरेक्ट ई पे आना है। अगर आप ये करोगे आपको शिफ्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ई माइनर ऐसे ही प्ले करें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।